हेलो एवरीवन, वेलकम टू होलिस्टिक फिटनेस विद ट्रांजी। मेरा नाम है उर्वशी अग्रवाल और आज का वीडियो जो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है होम वर्कआउट। ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। ओके, तो आप लोग में से जो भी हैं जो कि घर पे रह के घर के कम्फर्ट में रहकर वर्कआउट करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों को कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ एक योगा मैट चाहिए होगा कुछ एक्सरसाइजेस के लिए। हर एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे 30 सेकंड्स के लिए और उसके बाद हम लोग लेंगे 10 सेकंड्स का ब्रेक। ओके, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं 8 आसान एक्सरसाइजेस फॉर फ्लैट एब्स। पहली एक्सरसाइज है हिप ब्रिज, जिसमें आपको हिप्स को ऐसे ऊपर की तरफ लेकर आना है। जितनी बार आप हिप्स को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे उतनी बार आपको एब्स को स्क्वीज करना है और ग्लूट मसल्स को स्क्वीज करना है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके एब्स की टोनिंग होगी, इससे आपको अगर कोई लोअर बैक प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव और सेफ एक्सरसाइज है जो आप रोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे हम लोग। 10 सेकंड्स के ब्रेक के बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक बहुत पॉपुलर और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। काफ़ी लोग करते हैं इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है क्रंचेस। क्रंचेस के लिए आपको आर्म्स को ऐसे नेक के पीछे लेकर आना है, एब्स को स्क्वीज करना है, सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। जितनी बार आप ऊपर आएंगे आपको आपके नेवल की तरफ देखना है। इस तरीके से जब हम राइट ब्रीदिंग टेक्निक के साथ में ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो हमें ज़रूर एब्डोमेन टोनिंग होगा हमारा और हमें फ्लैट एब्स मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको रोज़ आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम अगेन 10 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे। 10 सेकंड्स के ब्रेक के बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है उन लोगों के लिए जिनको लोअर एब्स टोनिंग चाहिए। इस एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स क्रंचेस। नीज को आप 90 डिग्रीज पे रखेंगे, आर्म्स बाय द साइड, सांस बाहर तरफ छोड़ते हुए आपको नीज को चेस्ट की तरफ लेकर आना है। जितनी बार आप नीज को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे उतने बार आपको सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए ये मूवमेंट करना है। दिस इज़ द राइट ब्रीदिंग टेक्निक फॉर रिवर्स क्रंचेस। आप ये एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं। रोज़ करने से आपको डेफिनेटली लोअर एब्स का टोनिंग बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे 10 सेकंड्स के ब्रेक के बाद में, उस एक्सरसाइज का नाम है हील टचेस और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ऑब्लिक्स के लिए, आपके लव हैंडल्स की टोनिंग के लिए। आर्म साइड पे रखते हुए हम हील्स को टच करेंगे, दोनों साइड पे हम लोग हील्स को टच करेंगे सो दैट जो दोनों साइड के ऑब्लिक्स हैं उनका टोनिंग हो। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एब्स आर एब्सोल्युटली इंगेज, आपके जो एब्स हैं आप उनको इंगेज करके बहुत कंट्रोल तरीके से हील टचेस करेंगे टू टोन योर ऑब्लिक्स एंड लव हैंडल्स। नेक्स्ट हम लेंगे फिर से 10 सेकंड का ब्रेक। 10 सेकंड के ब्रेक के बाद में वी आर गोइंग टू डू अनदर वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर लोअर एब्स टोनिंग, जिसका नाम है लेग लिफ्ट्स। अब लेग लिफ्ट्स करने के लिए आप आर्म्स साइड पे रखेंगे, नीज को सॉफ्ट बेंड करते हुए लेग्स को ऐसे लिफ्ट करना है और ड्रॉप करना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सांस नहीं लेते हैं, सांस रोक कर ये एक्सरसाइज करते हैं तो इस एक्सरसाइज की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। मेक श्योर कि आपकी जो लोअर बैक है वो आर्च नहीं कर रही है और आप लेग्स को कंट्रोल्ड वे में ऊपर लेके जा रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन हम लेंगे 10 सेकंड का ब्रेक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है टू टारगेट ऑल द फोर मसल्स इन योर एब्डोमेन। आर्म्स राइट अंडर योर शोल्डर्स एंड यू ब्रिंग योर नीज टू द एल्बोज। अब इसमें एक दो तीन चीज़ें आपको ध्यान से करनी है, वो ये है कि आपके जो एब्स है वो एंगेज रहेंगे
और जब आप नीज एल्बोस की तरफ लेकर आएंगे तो आपको ब्रीद आउट करना है 30 सेकेंड्स। जब आप ये वर्कआउट करेंगे तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सारे मसल्स के ऊपर वर्क करती है और बहुत इफेक्टिव है। 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे और 10 सेकेंड्स के बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बाइसिकल क्रंचेस, वो भी एक बहुत इफेक्टिव अच्छी एक्सरसाइज है फॉर फ्लैट एब्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल्टरनेट एल्बो टू नी मूवमेंट करना है। मेक श्योर अगेन दैट योर एब्स आर कॉन्ट्रैक्टेड और आप कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं। कंट्रोल तरीके से आप ऑल्टरनेट एल्बो टू नी का मूवमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपके अपर एब्स, लोअर एब्स और ऑब्लिक्स पे बहुत अच्छे से काम करती है। 10 सेकेंड्स का हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कआउट विच इज़ फॉर योर लोअर एब्स टोनिंग। जो लोअर एब्स जिनको टोनिंग चाहिए, बहुत अच्छी है एक्सरसाइज, इसका नाम है फ्लटर किक्स। तो इसके लिए आपको आर्म साइड पे रखना है, लेग्स को आपको स्ट्रेट करना है, नीस बेंड रहेंगे, ऊपर आइए एंड यू हैव टू डू फ्लटर किक्स। जो लोग हैं जिनको नेक में प्रॉब्लम है वो आप अपना हेड को मैट के ऊपर भी रख सकते हैं, बट एडवांस फॉर्म ये है कि जब आप हेड को भी ऊपर रखेंगे, आप कंटिन्यूसली अपने नेवल की तरफ देख रहे हैं और लेग से आप फ्लटर किक्स कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर एब्स ट्रेनिंग।